तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम के एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि गाइस आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। जैसे गाइस अगर वो थ्री लाइन पे क्लिक करते हो तो गाइस आप लोगों के सामने यहां पे एक ऑप्शन आता है मीटा वेरिफिकेशन, या फिर बोल सकते हो मीटा वेरीफाइड का। ठीक है, आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ रहा होगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, इससे गाइस आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है ये बताऊंगा, इसको आप लोग यूज कैसे कर पाओगे ये बताऊंगा, और इसको अगर आप लोग ऑन करते हो तो गाइस आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल भी नहीं, फिर पहली बार हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलो यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं मीटा वेरीफिकेशन के बारे में, या फिर बोल सकते हैं मीटा वेरीफाइड के बारे में, ये क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, ये सब कुछ चलो गाइस आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं जिनके आईडी में ये शो नहीं कर रहा होगा। काफ़ी सारे लोग आईडी के अंदर मीटा वेरिफिकेशन शो नहीं कर रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं आपके अकाउंट के अंदर शो कहां से करेगा। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, अपने फोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइस आप लोगों को यहां पे सर्च करना है इंस्टाग्राम। जैसे गाइस आप लोग यहां पे सर्च करोगे इंस्टाग्राम तो गाइस आप लोगों को यहां पे इंस्टाग्राम आ जाएगा, और आप लोग यहां पे चेक करना कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आपका अपडेट नहीं होगा, अपडेट मांग रहा होगा, तो आप लोगों को पहले यहां पे अपडेट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग अपडेट कर लोगे, अपडेट करने के बाद आप लोग अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहां पे देखो मिल जाएगा मीटा वेरीफाइड का ऑप्शन। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो काफी सारा ऑप्शन देखो मिल जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइस हम लोग पहले बात कर लेते हैं मीटा वेरीफाइड क्या है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि आप लोग को पता है इंस्टाग्राम पे गाइस काफी सारे क्रिएटर्स को ब्लू टिक मिलता है। ठीक है, तो गाइस देखो अभी हम लोग का इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट आने के बाद ब्लू टिक जो है गाइस उसका एक सब्सक्रिप्शन बनाया जाएगा। जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले ट्विटर पे भी एक जो ब्लू टिक का कुछ सिस्टम आया कि जहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, पे करोगे आपको ब्लू टिक मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। सेम उसी टाइप से यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी गाइस एक अपडेट आया है, जहाँ पर गाइस आप लोग पे करते हो तो गाइस आप लोग को यहाँ पे ब्लू टिक दिया जाएगा, जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइनिंग द वेटिंग लिस्ट फॉर मीटा वेरीफाइड, जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो। जहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है अवेरीफाइड बेच। ठीक है, वेरीफाइड बेच का मतलब यही होता है गाइस आप लोग को ब्लू टिक मिल जाएगा अगर आप लोग इसको ज्वाइनिंग करते हो तो। साथ ही गाइस इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट भी करेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट प्रोटेक्ट कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। साथ ही गाइस आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा अगर आप लोग इसको लेते हो, ज्वाइनिंग करते हो तो। और साथ ही गाइस आप लोग यहां से किसी से भी डायरेक्ट नहीं बात कर पाओगे, कोई भी क्रिएटर से आप लोग डायरेक्ट बात कर पाओगे। साथ ही गाइस आप लोग को यहां पे एक यूनिक स्टिकर भी दिया जाएगा, जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हो। यानी कि अगर आप लोग इसको लोगे ना तो आपको चार चार ऑप्शन बिल्कुल यहाँ देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में गाइस आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये फीचर गाइस देखो काफी सारे लोगों के अकाउंट के अंदर भी शो नहीं कर रहा होगा, तो कुछ दिन के बाद शो कर जाएगा। अपडेट करके रखना हमेशा, जब भी आएगा इंस्टाग्राम का अपडेट आप लोग अपडेट कर लेना। बाकी ये देखो हम लोग बात कर लेते किन किन लोगों को वेरिफिकेशन बेच मिल सकता है और इसके लिए क्या क्या मतलब चाहिए। ठीक है, तो गाइस देखो उसके लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ देखो यहाँ पे आ जाना, आप लोग इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल यहाँ पे जो साइड है कस्टमर सपोर्ट का, आप लोग वहाँ पे आ जाना, जहाँ पे गाइस आप लोग जो इसका रिक्वायरमेंट वगैरह है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके अकाउंट के अंदर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ गाइस यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मीटा वेरिफिकेशन सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना पड़ेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, और इसका सब कुछ यहाँ पे गाइस दिया हुआ है कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए मीटा वेरिफिकेशन के लिए, आप लोग देख सकते हो। दिस द फीचर वी नॉट अवेलेबल दिस योर लोकेशन, मतलब अभी हम लोग का लोकेशन के अंदर ये फीचर अभी नहीं है, अगर आपको ऐसा आ रहा होगा तो आपको ऐसा नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका अकाउंट जो मतलब आपका जो अकाउंट का एज होना चाहिए, मतलब कि आप जो वेरीफिकेशन लेना चाहते हो जिस भी अकाउंट में उसका ईयर जो होता है 18 साल ओल्ड होना चाहिए, मतलब 18 साल प्लस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट के अंदर बिजनेस प्रोफाइल नॉट एलिजिबल, मतलब बिजनेस नहीं होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, पब्लिक होना चाहिए, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे देखो मिल जाएगा, जो कि आप लोग खुद स्क्रीन पे देख सकते हो। बी पब्लिक प्राइवेट अकाउंट प्रोफाइल एक्टिव नॉट इन फुल नेम एंड, मतलब गाइस आप लोग का अकाउंट एकदम बोले तो यार सेफ होना चाहिए, और आपका फेस वेस सब कुछ अच्छे से दिखना चाहिए, और टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा होना चाहिए, जो कि गाइस आप लोग खुद स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे आके पढ़ लेना, बाकी सब कुछ आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, और इसके इसमें आने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को यहाँ पे आना है और यहाँ पे गाइस आपको सर्च कर लेना है, सर्च करना है मीटा वेरिफिकेशन अकाउंट। जैसे आप लोग सर्च करोगे गाइस आप लोग को यहाँ पे देखो मिल जाएगा, फर्स्ट में इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायरमेंट इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे आपको खुल जाएगा, और इससे गाइस आप लोग
एकदम इजीली पढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी गाइस देखो, अगर आप लोग फोन के अंदर ये सब अपडेट अगर अभी नहीं आया, आप लोग अपडेट करना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम को, तो उसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे सर्च करना है। क्रोम ब्राउजर में क्या सर्च करना है? गेम्स कंसोल, ठीक है। आप लोगों को जिस टाइप से मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, इसी टाइप को सर्च करना है गेम्स कंसोल, और गेम्स कंसोल सर्च करते हैं आपके सामने एक वेबसाइट मिलेगा गेम कंसोल नाम से, इस वाले वेबसाइट को आप ओपन कर लेना। गाइस आप लोग इस वाले वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा हाउ टू डाउनलोड ओल्ड वर्जन इंस्टाग्राम, जो कि आप उसमें देख सकते हो। इस वाले पोस्ट पे क्लिक करना, इस वाले पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका सामने पोस्ट ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ओके, जैसे आप लोग थोड़ा थोड़ा नीचे करके आओगे यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक डाउनलोड का बटन मिलेगा। सिंपल आप लोग इस वाले बटन पे क्लिक करना है, 30 सेकंड का टाइमिंग चलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको 30 सेकंड तक वेट करना है और आपके फोन के अंदर एक ओल्ड इंस्टाग्राम डाउनलोड हो जाएगा, और उसको आप लोग यूज कर पाओगे अपने जो प्राइवेसी सेटिंग है उसको रिमूव करने के लिए। अगर आप लोग को यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग मिलता है ना, सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसको आप लोग रिमूव कर पाओगे उससे, ठीक है। तो बाकी गाइस देखो, जितना भी कुछ था मेरे हाथ लगा था, जितना भी समझ मेरे को था, मैंने आपको सबको समझा दिया, अच्छे से बता दिया, ठीक है। बाकी देखो, ये अपडेट जैसे आएगा मैं आपको फिर से वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा, इसको अप्लाई कैसे करना है सब कुछ बता दूंगा। तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑलवेज कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो अंदर बस इतना था, मिलते हैं और वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।